विज्ञान की क्लास का जीवों में विविधता का प्रथम पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। आज उसके द्वितीय भाग में हम चल रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी कि जीवों की विविधता का अध्ययन करने के लिए हम किस प्रकार से आगे बढ़े। तो सर्वप्रथम मैंने बताया था कि भांति भांति प्रकार की विविधताएं भरा जो ये संसार है, इसमें जीवों का विधिवत अध्ययन करने के लिए हमें उन्हें समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना पड़ता है। इसके लिए प्रथम प्रयास कल जिनका मैंने नाम लिया था, वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने 1707-1778 इनका जीवन काल है, इन्होंने सिस्टमा नेचुराई नामक पुस्तक में आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली विकसित की थी। लीनियस ने जीवधारियों को नामकरण की पद्धति प्रारंभ की। नामकरण की यह पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति है और द्विनाम पद्धति के नाम से जानी जाती है, अर्थात जीवधारियों का जो नामकरण है वो दो नाम से किया जाता है, दो शब्दों में किया जाता है। प्रथम शब्द जो है वह उनके जाति का द्योतक होता है। जाति का तात्पर्य ऐसे जीवों से होता है जो परस्पर प्रजनन द्वारा अपने जैसे ही जीव उत्पन्न करते हैं। समान लक्षणों की जातियों के जो जीव हैं, फिर उन्हें एक वंश में रखा जाता है जिसे जीनस कहते हैं। तो समान गुणों के आधार पर उन जातियों के जीवों को वंश में रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बिल्ली, चीता और बाघ, इन तीनों का वंश एक ही है किंतु इनकी जातियां अलग अलग हैं। इसी प्रकार से कुछ वंश में जो समानताएं मिलती हैं उनके आधार पर जो असमानताएं होती हैं तो उनको फिर हम कुल बनाते हैं, फैमिली। इसी प्रकार से बढ़ते हुए कुल को फिर हम गण या आर्डर में बांटते हैं। आर्डर के पश्चात फिर हम वर्ग में ले आते हैं, जहां क्लास या वर्ग कहते हैं, और समस्त वर्गों को फिर अंत में हम उनके संघ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से वर्गीकरण की एक रूपरेखा कैरोलस लीनियस ने हम सबके सम्मुख प्रस्तुत की। इस वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है वो जाति है, फिर क्रमशः ऊपर बढ़ते हुए वंश, कुल, गण, उपवर्ग, वर्ग, उपसंघ, संघ और अंत में जगत। बच्चों, हम और हमारे चारों ओर जो जैव जगत है यह दो भागों में विभाजित है, जंतु जगत और पादप जगत। पादप जगत के अंतर्गत हम विविध प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं और जंतु जगत के अंतर्गत हम विविधता भरे जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अभी जो मैंने प्रस्तुत की नामकरण की जो द्विनाम पद्धति के बारे में बताया कि जीवधारियों का जो नाम है वो दो शब्दों में लिखा जाता है, पहले उनके जाति का नाम और दूसरा उनके वंश का नाम, जिसको जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम कहते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे तथ्य यह है कि संसार के सभी विद्यार्थी और सभी वैज्ञानिक किसी एक जंतु को एक ही नाम से जाने। उदाहरण के लिए जैसे गौरैया है, अब भारत में गौरैया है, आंध्र प्रदेश में यही पिच्चुक है, इंग्लैंड में इसे हाउस स्पैरो कहते हैं, हॉलैंड में इसे मुश कहते हैं और जापान में इसे सुजून कहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था में अगर एक ही जीव का नाम विभिन्न नामों से प्रचलित होगा तो पठन पाठन में और उनके लक्षणों का निर्धारण करने में कठिनाई होगी। अतः नामकरण की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति कैरोलस लीनियस ने विकसित की, इसके अनुसार जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। तो पहला नाम उनके वंश का होता है उस और दूसरा जाति का होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारी
घरेलू बिल्ली है। अब बिल्ली के वंश का नाम है फेलिस और इसकी जाति का नाम है डोमेस्टिकस। वैज्ञानिक नाम लिखते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वंश को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और जाति का जो प्रथम अक्षर है वो स्मॉल रहता है। सामान्य राइटिंग में लिखा जाता है जिसको इटैलिक्स राइटिंग कहते हैं, इसमें कैपिटल लेटर जरूर रहता है वंश में प्रथम, लेकिन अन्य जो लेटर्स हैं वो स्मॉल इटैलिक्स में रहते हैं जिसको हैंड राइटिंग कहते हैं, और दोनों के नीचे फिर अंडरलाइन भी कर दिया जाता है। तो यह जो द्विनाम पद्धति है जिसको लीनियस ने प्रस्तुत किया, यह एक महत्वपूर्ण योगदान रहा जैव विविधता के अंतर्गत जीवधारियों को पहचानने में और उनका नामकरण करने में। यहाँ मैंने अभी वंश की बात की कि एक ही वंश में जैसे हमारी बिल्ली है, शेर है और चीता भी है। अब वंश के लक्षण में काफी समानता है इनमें, किंतु जातियों में विविधता है। इसलिए फेलिस वंश तो समान है इन तीनों का, किंतु इनकी जातियां भिन्न भिन्न हैं। जैसे हमारी जो पालतू बिल्ली है इसको हम फेलिस डोमेस्टिकस कहते हैं, शेर जो है वो फेलिस लियो है और चीता जो है वो फेलिस टाइग्रिस है। इस प्रकार से नामकरण प्रारंभ करने से हमें आगे पठन पाठन में सुविधा रहेगी। बच्चों, द्विनाम पद्धति जिसको लीनियस ने प्रस्तुत किया, इसके पश्चात अब हम वर्गीकरण की जो सामान्य रूपरेखा हमारे सम्मुख प्रस्तुत की गई उसके बारे में आपका हम ध्यान आकर्षित करेंगे। समस्त जीवधारियों को जो पृथ्वी पर हैं उनको दो भागों में बांटा गया, जंतु जगत और पादप जगत। अब पादप जगत इस आधार पर प्राणियों को अलग किया गया कि वो एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, स्वयं उनमें से कुछ अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनमें वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, अनियमित असंगठित वृद्धि होती है। वहीं जंतु जगत के प्राणियों में एक संगठित वृद्धि होती है, उनका एक निश्चित जीवन काल होता है एवं उनके साथ एक निश्चित संगठन होता है। ये तो दो जगत हुए। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक वर्गीकरण है उसके अंतर्गत जीवधारियों को हम दो भागों में बांटते हैं, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। बच्चों, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जीवधारियों की जो शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका के संगठन से ऊतक बनते हैं, ऊतक के पश्चात फिर कुछ जीव ऊतकी हैं, कुछ अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्रों के पश्चात फिर जीवों के शरीर की जटिलताएं बढ़ती चली जाती हैं। तो वर्गीकरण का आधार लेते हुए सर्वप्रथम जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है, जो स्लाइड आपके सामने है, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। कैरियोटी मीन्स होता है केंद्रकी पदार्थ। कोशिका के अंदर जिनमें स्पष्ट केंद्रक होता है उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक, और जिनके अंदर केंद्रकी पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में होता है उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक प्राणियों में वर्तमान में नीले हरे शैवाल, जीवाणु आदि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। यूकैरियोटिक वास्तविक केंद्रक युक्त, अर्थात जिनकी कोशिकाएं वास्तविक केंद्रक युक्त होती हैं, केंद्रक पदार्थ केंद्र कला द्वारा घिरा होता है, अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं उनको यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक को फिर हमने दो भागों में विभाजित किया, एक कोशिकी और बहुकोशिक। एक कोशिक इनको हम प्रोटिस्टा भी कहते हैं, जिनका शरीर केवल एक कोशिका का होता है, उदाहरण के लिए जैसे अमीबा, पैरामिशियम, युगलिना आदि, यह एक कोशिक प्राणी है। ये यूकैरियोटिक हैं किंतु एक कोशिक। दूसरी तरफ बहुकोशिक प्राणी। अब बहुकोशिक प्राणियों में जिनका शरीर
बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उनको हम बहुकोशिक प्राणी कहते हैं। बहुकोशिक में भी कुछ ऐसी जीव हैं जिनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति जो है ये सेल्युलोज की बनी होती है। सेल्युलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, इसलिए कोशिका भित्ति सहित जो जीवन है उसको अलग किया गया और इसी को कहते हैं पादप जगत। क्योंकि पादप जगत में कोशिका भित्ति ही पहली पहचान है। इसके अलावा कुछ उनमें प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, उसके आधार पर हम फिर पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इधर जो प्राणी जिनके कोशिका भित्ति नहीं होती है उन्हीं को हमने जंतु जगत में रखा, जिसको हम एनिमेलिया कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से एनिमेलिया का यानी जंतु जगत का वर्गीकरण हम बाद में प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम पादप जगत का वर्गीकरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। पादप जगत को फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आधार पर दो भागों में यहाँ पर विभाजित कर रहे हैं। एक वे जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम नहीं है, जो वनस्पतियाँ हैं उनमें थाइलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनमें जड़ तना पत्तियों का अभाव होता है, ऐसे सुकाई पौधों को थैलोफाइटा में रखा गया है। ये दो भागों में बांटे गए हैं, शैवाल और कवक। शैवाल जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं प्राप्त बना लेते हैं तथा स्वपोषी होते हैं, इसलिए जल में पाए जाते हैं, इनको हम शैवाल कहते हैं। दूसरे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वे स्वयं प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं और परजीवी के रूप में या मृत जीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं, उनको हम कवक या फंजाई कहते हैं। इसी बढ़ते हुए क्रम में पौधों को ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा में विभाजित किया गया है। ब्रायोफाइटा ये वे पौधे हैं जो जलस्थलीय पौधे कहे जाते हैं, उभयचर पौधे कहे जाते हैं, या शैवालों से अधिक विकसित होते हैं। इनमें भी जड़ तना पत्तियों का अभाव होता है, संवहन ऊतकों का अभाव होता है और ये प्रारंभिक अवस्था के स्थलीय प्राणी हैं। इनमें पीढ़ी एकांतरण भी होता है और ट्रायोफाइटा के पश्चात फिर ट्रेकियोफाइटा, इनमें संवहन तंत्र का विकास हुआ, इस आधार पर ट्रेकियोफाइटा के पौधे विभाजित किए गए। ट्रेकियोफाइटा के पौधे फिर दो भागों में बटे, टेरिडोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। टेरिडोफाइटा के जो पौधे हैं ये फर्न कहे जाते हैं, इनमें संवहन तंत्र का विकास हुआ। इसके पश्चात एम्ब्रियोफाइटा, इनमें भ्रूण का निर्माण होता है। एम्ब्रियोफाइटा भ्रूण धारण करते हैं। एम्ब्रियोफाइटा को फिर दो भागों में बांटा गया, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी इनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं और आवृत बीजी इनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। अनावृत का तात्पर्य है कि इनके जो बीज है वो अंडाशय में नहीं बनते हैं, अर्थात इनके बीजों के ऊपर बीज कवच नहीं पाया जाता है, ये नग्न बीजी होते हैं, इसलिए इनको अनावृत बीजी या नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। दूसरी तरफ आवृत बीजी जो एंजियोस्पर्म हैं इनको पुष्पी पादप भी कहा जाता है। पुष्पी पादप ये इनमें भ्रूण का निर्माण होता है और जो इनके जो बीज हैं वो आवृत होते हैं, अर्थात बीज अंडाशय के अंदर बनते हैं, उनके ऊपर भित्तियां पाई जाती हैं, इसलिए इनको आवृत बीजी कहते हैं। आवृत बीजी पौधे ही ज़्यादातर हमारे चारों ओर देखने को मिलते हैं। इनको फिर बढ़ते हुए क्रम में दो भागों में बांटा गया, एक बीज पत्री और द्वि बीज पत्री। एक बीज पत्री जिनको तोड़ने पर दो भाग नहीं होते हैं उनको एक बीज पत्री में विभाजित किया गया और जिनको
तोड़ने पर बीज के दो भाग हो जाते हैं, उनको द्विबीजपत्री में विभाजित किया गया। ये तो बीज के आधार पर है, इनके लक्षणों के आधार पर हम और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से यह पादप जगत की एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप जो बच्चे हैं वो इसकी रूपरेखा का अध्ययन करके कुछ वर्गीकरण की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात हम विस्तार से एक एक संघ का फिर वर्णन करते हैं।